रमजान उल मुबारक महीना के 13वां रोजा के मौके पर डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा की ओर से रोजे इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। स्थानीय डॉन बॉस्को स्कूल के प्रांगण में बीबी पाकर लहरिया सराय दरभंगा में रविवार को वहीं आयोजित रोजे अफतार पार्टी में सैकड़ों की संख्या में रोजगारों की मौजूदगी देखने को मिली। वहीं रोज अफतार पार्टी के मौके पर हिंदू मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग एक जगह बैठकर रोजा अफतार किया, जो यह दर्शाता है कि हिंदू मुस्लिम दोनों ही भाई आपस में मिलकर रहते हैं और एकता का मिसाल अफतार पार्टी में देखने को मिला। आयोजित रोजा इफ्तार पार्टी के संबंध में हमने बात किया डॉन बॉस्को स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद फहद आब्दी ने यह कहा कि यह इफ्तार पार्टी का ही एक मकसद है, आपस में मेल मोहब्बत पैदा करना। इफ्तार पार्टी के माध्यम से और इस प्रकार का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है और यह भी कहा कि होली का पावन त्यौहार भी है, रमजान भी साथ साथ चल रहा है, दोनों की त्यौहार है, इसकी भी शुभकामना दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू भाइयों ने भी इस इफ्तार पार्टी में शिरकत किया है, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम लोगों का। पहले तो मैं मोहम्मद फहद आब्दी, प्रिंसिपल डॉन बॉस्को स्कूल, आप तमाम प्रेस मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आज एक छोटा सा कार्यक्रम डॉन बॉस्को स्कूल के परिसर में इफ्तार पार्टी की रखी गई थी, जिसमें दरभंगा शहर के बहुत जाने माने शख्सियत और हमारे शुभचिंतक लोग जो स्कूल से जुड़े हुए हैं, उनकी एक छोटी सी एक मेल जोल यहाँ पर हम लोगों ने इकट्ठा की। और क्योंकि माह रमजान का मौका है और प्यार मोहब्बत का ये दिन है, महीना चल रहा है, उसी अवसर पर एक छोटी सी पहल हर साल की तरह इस साल भी डॉन बॉस्को स्कूल ने अपने परिसर में रखा। और साथ ही साथ क्योंकि होली का पावन महीना भी चल रहा है, अब आज होली है, कल भी होली है, उस अवसर पर भी क्या कहते हैं हमारे जो हिंदू भाई हैं वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत किया और एक बहुत अच्छा एक मिसाल पैदा हुई है आज, जिसके लिए हम तमाम उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।